एक समय की बात है, एक जंगल में एक छोटी चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने घोंसले में दो अंडे दिए और देखते ही देखते दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे अंडे से निकले। चिड़िया बहुत खुश थी। वह सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना ढूंढने यहाँ वहां जाती थी। और वह अपने बच्चों को प्यार से दाना खिलाती थी। एक दिन जब चिड़िया अपने घोंसले पर लौट रही थी तो उसने अपने बच्चों के पास एक कौवे को बैठे हुए देखा। चिड़िया चौंक गई और तुरंत अपने घोंसले की ओर आई। चिड़िया को देखते ही कौवा उड़ गया। चिड़िया सोचने लगी, ये कौवा मेरे घोंसले पर क्या कर रहा था? कहीं यह मेरे बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता था? मुझे बहुत होशियार रहना होगा। ऐसे काफी दिन बीत गए। एक दिन जब चिड़िया खाना लाने गई तब लौटने में बहुत देर हो गई। इतने में इधर एक सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। चिड़िया के बच्चों ने अचानक सांप को ऊपर चढ़ते हुए देखा और डर से चीखने लगी, ची 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 ची। कौवा पास ही था और उसे बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कौवे ने देखा कि एक सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा था। कौवा समझ गया कि बच्चों की जान खतरे में है। कौवा तुरंत घोंसले की ओर आया और वह अपने चोंच से सांप को ठोकर मारने लगा। काफी झड़प होने के बाद सांप घायल होकर नीचे गिर पड़ा। कौवे ने सोचा, जब तक इन बच्चों की माँ ना आ जाए इनकी निगरानी करनी होगी। कौवा पेड़ पर जाकर बच्चों के पास बैठा रहा। काफी देर बाद चिड़िया वापस आई तो उसने पेड़ के नीचे मरे हुए सांप को देखा। चिड़िया तुरंत घोंसले पर पहुंची। उसे देखते ही बच्चे ची ची चहकने लगे और कहा, माँ आज इन्होंने सांप से हमारी जान बचाई। यह सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत भावुक हो गई। चिड़िया ने कौवे से कहा, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम्हारे बारे में मैंने कितना गलत सोचा था कि तुम मेरे बच्चों को हानि पहुंचाना चाहते हो। कौवे ने कहा, नहीं नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी बच्चे मुसीबत में आए। चिड़िया बोली, आज मुझे आपसे
एक बहुत बड़ी सीख मिली, हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहिए। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा मुस्कुराया और उड़ गया।